आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कपड़े जहाज पे कैसे धोते हैं, लेकिन हम क्यों देखेंगे कि जहाज पे कपड़े कैसे धोते हैं। यार किसी का तो नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है ना, उसको ये डाउट आ सकता है जिसको बहुत ज्यादा कपड़े धोने का शौक हो कि जहाज पे कैसे धोते हैं। चलो खाली हाथ चल दिए, धोगे क्या? रुको, मास्टर होने के प्रिविलेज। नॉर्मली शिप में सबको एक बकेट दिया होता है, और किसी किसी शिप में सोप जो है, सोप साबुन इंडस्ट्रियल सोप होता है, बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, वो सबको इंडिविजुअल दे दिया होता है, और बहुत सारे केसेस में वो लॉन्ड्री में एक जगह पे रख दिया जाता है। तो मुझे तो लगता है जो इंडिविजुअल देने वाला प्रोसीजर है ना, वो बराबर है, क्योंकि फिर पब्लिक ना देख के नॉर्मल बराबर यूज करता है, एक्स्ट्रा यूज नहीं करता। जो लोग ये सोचते एक्स्ट्रा सोप डाल देंगे, एक्स्ट्रा पाउडर डाल देंगे, कपड़ा एक्स्ट्रा क्लीन हो जाएगा ना, पक्के हैं। हाँ, तो ये मेरा ड्रॉअर है बेसिकली, इसमें मैं अपना लॉन्ड्री का सामान रखता हूँ। तो देखो, या तो आपको सोप ऐसे ऐसे एक डिब्बे में सोप डाल के दे देंगे हर महीने, या जब भी आपका खत्म हो जाता है, या आधा केजी का डब्बा उब्बा आपको मिल जाएगा, या फिर मुझे ये बेस्ट लगता है ये पैक्ड। इसमें क्या है ना कि ज्यादा यूज करने का कोई चांस नहीं है, इसमें आप कैसे भी करेंगे तो एक डालेंगे। आइडिया ये होता है कि अगर आपका नॉर्मल कपड़ा आप धो रहे हो लाइक सिविल क्लोथ, तो आप ये एक डालेंगे, फिक्स क्वांटिटी है। ये जो आप प्लास्टिक है इसको देख के परेशान मत हो, ये मशीन में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। ये सॉल्युबल प्लास्टिक, एक्चुअली ये प्लास्टिक नहीं है, इट्स जस्ट अ कवर, सो देयर इज नथिंग टू वरी। और अगर आपका बॉयलर सूट बहुत ज्यादा गंदा है तो आपको दो डालना चाहिए। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें आप ज्यादा सोप कभी नहीं डालेंगे। ये वाले में भाई अपनी मर्जी है, जितना मर्जी उतना ढाल दोगे। सो फिलहाल हमारा सिविल क्लोथ है, तो हम ये एक लेके चलते अपने साथ। हाँ, यहाँ पे जो आपको ये सोप दिख रहा है, हर महीने सोप भी मिलता है, तीन मिलता है किसी शिप्स में, किसी में चार मिलता है, बट एनफ होता है अनलेस आप फैमिली के साथ सेलिंग कर रहे हो। तो नॉर्मली शिप में सब कुछ कनेक्टेड ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे पावर प्लग कनेक्टेड है, अगर लो इंसुलेशन वगैरह का अलार्म आ रहा हो तो शायद बत्ती साहब डिस्कनेक्ट करे रखे हैं इंस्पेक्शंस वगैरह के लिए, अदरवाइज नॉर्मली कनेक्टेड रहता है। वाटर सप्लाई ओपन रहती है, आपको कुछ करना नहीं होता है, यू जस्ट कम हियर, प्रेस बटन, स्टार्ट वॉशिंग। ये हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, ये हमारा ड्रायर हो गया। तो भाई लोग, इस जहाज में क्या है ना कि बहुत ही ज्यादा लैविश हिसाब किताब चल रहा है। तो ये जो डेक है, मेरा डेक, इसमें सिर्फ चीफ इंजीनियर और मास्टर, चीफ इंजीनियर हो गए अपने पोर्ट साइड में, मास्टर हो गए अपने स्टारबोर्ड साइड में, ये दो ही लोग रहते हैं। तो इन दोनों के लिए एक लॉन्ड्री दी हुई है। तो ये लॉन्ड्री इतनी बड़ी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मशीन्स नहीं है, एक वॉशिंग मशीन है, एक ड्रायर है, मगर हमारे पास दो लॉन्ड्री और है जिन्हें हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो लॉन्ड्री में क्या होता है कि आपको ड्राइंग रूम भी दिया होता है अलग से, और कई बार आपको आयरन करने के लिए टेबल एंड आयरन तो खैर यहां भी है, वन सेकेंड, या आयरन यहां भी है, और टेबल इंडिविजुअली चीफ इंजीनियर मास्टर को एक एक दिया हुआ है। तो यहाँ पे लॉन्ड्री में कोई वो यू नो आयरन करने के लिए प्रेस करने का काफी लोगों को शौक होता है, वो नहीं है, बट यहाँ पे ये एक डस्टबिन दिया हुआ है जो कि बहुत काम की चीज है। जब भी आप मशीन यूज करते हैं तो स्पेशली ड्रायर, इसमें लिंट वगैरह बहुत कुछ आता है, तो इसका खोल के फिल्टर आपको क्लीन करना चाहिए, क्लीन करके कचरा वगैरह इसमें डालना चाहिए। एंड दोस्तों पता नहीं क्या यार, हमारे घर में जो मशीन होती है वो छह छह सात सात साल चलती रहती है बिना किसी प्रॉब्लम के, और जहाज में तीन महीने में मशीन खराब, चार महीने में खराब, हमेशा ऑर्डर देते रहो, हर कॉन्ट्रैक्ट में मशीन मंगाते रहो। आई थिंक रीजन यही है कहीं ना कहीं कि लोग यार उतना ध्यान नहीं रखते जितना कि आप घर में अपनी मशीन का ध्यान रखते हैं, शायद जहाज में उतना ज्यादा जहाज की मशीन का ध्यान नहीं रखते, लेकिन तकलीफ आपको घर से भी ज्यादा जहाज पे होती है जब मशीन खराब हो जाती है। तो भाई लोग, ये तो वो आज का मॉडर्न तरीका, आजकल जहाज नए हैं, MLC इन प्लेस है, मैरिटाइम लेबर कन्वेंशन, जिसमें कि ये सब फैसिलिटी जहाज में होनी चाहिए, एंड बाहर से जो इंस्पेक्टर्स आते हैं वो सब चेक करते हैं कि आपकी लॉन्ड्री कैसी है, क्लीन है, वाटर सप्लाई कैसा है, ये सारी चीजें चेक होती है। बट जब मैंने सेलिंग स्टार्ट की थी तब रेगुलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, और तब क्या सीन था भाई, तब का बताता हूं, वो भी देख लो। तो 2002 में जब मैंने क्रेडिट शिप चालू करी, तब मेरा शिप था 21 ईयर ओल्ड, वॉशिंग मशीन की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती थी, और कंपनीज भी उतना ध्यान नहीं देती थी, और हमारा
MLC वगैरह पिक्चर में नहीं था तब, मुझे याद है उस टाइम पे हम ऐसे करते थे, यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो अभी तो एक ही हीविंग लाइन है, तीन चार हीविंग लाइन होती थी और सब अपना बॉलर सूट बांधते थे। मुझे चीफ ऑफिसर बोलता था कि यार मेरा भी बांध दे, और एक बार मैं सुबह बांध के, अगर आप एक घंटे में आए आधे घंटे में इसको निकाला तो ठीक है, अगर आपने गलती से पूरा दिन छोड़ दिया ना तो शाम को आपको सिर्फ हीविंग लाइन मिलेगी, बॉयलर सूट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सॉल्ट वाटर में वॉश हो के वो ख़त्म हो चुका होगा। और ये मिस्टेक मैंने क्रेडिट शिप में कर दी थी, और चीफ ऑफिसर ने मुझे इवनिंग में बहुत बम्बू दिया था, बहुत चिल्लाया था, मेरी वाट लगा दी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पनिश कर दिया था। एनीवे, फॉर्चुनेटली अब वो टाइम नहीं है, टाइम अच्छा है वॉशिंग मशीन की इज्जत करो, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है अगर वॉशिंग मशीन जहाज पे काम ना करे तो। और ये तरीका बाथरूम में ऐसे कपड़े धोना, ये तो एकदम ही गलत है। क्यों गलत है? ये बकेट में बाथरूम में कपड़े धोने का तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आप पानी बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे और आपके कपड़े अच्छे से वॉश भी नहीं होंगे। और मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग, सीनियर ऑफिसर, स्केलेट को यूज नहीं करने देते मशीन, वो बोलते तू भाई तू मशीन नहीं यूज करेगा, तू अपनी जिंदगी आसान नहीं बनाएगा, भाई तू तकलीफ लेके बाथरूम में कपड़े धो, तो ये सब प्रैक्टिस एकदम गलत है, उसकी ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग के और बहुत सारे तरीके हैं, देख लिया ना पुराने जमाने में कितनी तकलीफ थी और आज हमारी लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी है। तो ये पुराने जमाने की लाइफ देख के कंपेयर करो कि कितने ज्यादा ब्लेस्ड हो यार, और जब मशीन मिल रही है इतनी अच्छी तो उसका ध्यान रखो ना जहाज पे, और मशीन सही चलती रहे, उसकी मेंटेनेंस, उसका फिल्टर क्लीनिंग और उसको जो कुछ भी चाहिए, ये काम किसी एक आदमी का नहीं है, ये सबका है, जितने लोग मशीन यूज करते हैं वो सबका काम है। तो 10 केजी का सोप रखा हुआ है यहाँ पे स्टैंड बाय, और यहाँ पे ये डिब्बा है, और यहाँ पे सिर्फ मास्टर चीफ ने, दो ही लोग यूज करते हैं, तो ऐसे डिब्बे रखे होते हैं इंडिविजुअल, इसमें ये छोटा सा स्कूप आपको दिख रहा होगा। तो भाई नॉर्मल कपड़े के लिए आधा स्कूप काफी है, अगर बॉयलर सूट थोड़ा गंदा है थोड़ा सा उसको क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा सोप डालोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, उल्टा ये इंडस्ट्रियल बहुत स्ट्रांग सोप होता है। अगर आपने 2-3 बार अपने कपड़े इसमें बहुत ज्यादा सोप के साथ डाल दिया, आप देखोगे आपका कपड़ा श्रिंक हो रहा है, आपको रैशेस भी हो सकते हैं। तो सोप आपको मिनिमम से मिनिमम, कम से कम ही यूज करना है मेरे भाई। तो अब मैं अपने कपड़े इसमें धोऊंगा, लेकिन धोने आता हूं तो क्या देखता हूं कि इसमें ऑलरेडी किसी का कपड़ा पड़ा हुआ है, तो अभी सही तरीका क्या है? तो ऐसे अगर जहाज में आपको अगर वॉशिंग मशीन में किसी और का कपड़ा मिलेगा तो आप क्या करोगे है? इसको साइड में निकाल के बिल्कुल नहीं फेंकोगे, एक जेंटलमैन की तरह इसको आप ड्रायर में डालोगे और फिर अपना कपड़ा धोगे। अब ये चीजें एक दूसरे को एज अ फ्रेंड जहाज पे हमको एक दूसरे को छोटे छोटे फेवर करने चाहिए, फिर जब आपका कपड़े का वॉशिंग हो जाएगा आप भूल जाओगे तो फिर आपका भी कोई डाल देगा ड्रायर में, जब आप आओगे आपको सूखा हुआ मिलेगा, कितनी अच्छी बात है ना। ये क्लासिक एग्जाम्पल, अब ये किसी और के कपड़े धुल चुके हैं, मुझे डालने थे इसको ड्रायर में, अब मुझे ड्रायर में भी कपड़े दिख रहे हैं, तो ड्रायर में कपड़े तो ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं, अब जिसने भी रखे, खैर इस केस में हमारे ये मेसमैन ने ही रखा होगा क्योंकि ये लिनन वगैरह है कैबिन का, तो नो वरीज, अपना भाई है भाई, हेल्प करने का उसको भी। ये हो गया ड्रायर खाली, और ड्रायर खाली अच्छे से चेक करो कुछ रह तो नहीं गया। हाँ भाई कुछ नहीं रह गया, वेरी गुड, अब डाल दो इन गीला कपड़ों को, हेल्प करो अपने भाई की जांच पे। हाँ जी, और जब आपके कपड़े ऐसे धुल रहे हो या ड्रायर में जा रहे हो तो सेलेक्ट करिए एकदम मिनिमम वाला साइकिल, क्योंकि वो काफी होता है नॉर्मली कपड़ों को क्लीन करने के लिए, वो काफी होता है। अगर आपका कपड़ा कोई ऐसा ऑयली, इतना ज्यादा गंदा हो चुका है, आपको लगता है कि मिनिमम से बड़ा साइकिल, तो भाई उससे तो बेटर होगा कि अपना बॉयलर सूट ही चेंज कर दो, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये होगा कि वो बॉयलर सूट यूज करने के लायक नहीं होगा, वो इतना ज्यादा गंदा हो चुका होगा। अब मेरे से पहले वाले जेंटलमैन, हमारे मेसमैन, उनका कपड़ा धुल चुका था और वो भूल चुके डाल के, तो ऐसा नहीं करने के लिए आपके पास 3 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर 1, जब तक आपके कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पे आप लगाइए कॉपीराइट फ्री म्यूजिक और नाच लीजिए।
तो आई एम श्योर आप लोग को ये वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन अच्छा नहीं लगा होगा, ऐसा घटिया डांस करना और टाइम बर्बाद करना है आधा घंटा, तो कोई अच्छी बात है नहीं। ऑप्शन नंबर टू, 110 एंड 30 मिनट्स 140। अब आया ना मजा, ये ऑप्शन अच्छा है, ऑप्शन नंबर टू। मोबाइल में अलार्म लगा दो, क्योंकि मोबाइल का अलार्म कभी फेल नहीं होता, और जब 30-35 मिनट बाद दिन में बजेगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा कि कपड़े धोने को डाले थे और हो गए होंगे। ऑप्शन नंबर थ्री एक्चुअली है नहीं, मैंने बनाया था। ऑप्शन नंबर थ्री वही है जो हमारे मेसमैन ने किया, कपड़े डाल के भूल जाओ, जब याद आएगा तो ले लेना। तो ये भी घटिया ऑप्शन है। एक बार फिर बताता हूँ, 30 मिनट का साइकिल काफी होता है ये सब जहाज की मशीन में, और यहाँ पे ड्रायर में देखेंगे तो अपना 15 मिनट का साइकिल चल रहा है, ये सब काफी होता है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अभी जैसा कि 25-26 मिनट बचा हुआ है, तो जब तक ये धुलता है और धुलने के बाद मैं इसको ड्रायर में डालूंगा, तब तक आपको दूसरी जहाज की लॉन्ड्री दिखाता हूं मैं। तो अब मैं आ चुका हूं अपने डेक से एक डेक नीचे, जो कि है ऑफिसर लॉन्ड्री। तो यहां पे देखेंगे कि एक की जगह दो वॉशिंग मशीन है और एक की जगह दो ड्रायर है। काम की चीज क्या है, क्लीन फिल्टर बिफोर यूज, सिविल क्लोथ्स, बॉयलर सूट्स, सिविल क्लोथ। अगेन सेम थिंग, डस्टबिन है हमारे पास और सोप यहाँ पे रखा हुआ है। हमारे शिप में आई थिंक इंडिविजुअल सोप इशू नहीं हो रहा है, रखा हुआ है। तो एनीवे आई होप मेरा क्रू ज्यादा यूज नहीं करता होगा, ये डिब्बा तो बहुत बड़ा है भाई, अगर इतना भर के डाल दिया तो भाई गया कपड़ा आपका पानी में, नॉट पानी में, गया कपड़ा। छोटी छोटी लॉन्ड्री बहुत दिखा दी, अब चलते हम सीधा अपनी जहाज की मेन लॉन्ड्री देखने। आ गए हम मेन लॉन्ड्री में, तो देखते ही यहाँ पे डिफरेंस आपको ये लग रहा होगा कि ये लॉन्ड्री थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ का टेबल बड़ा है आयरन करने के लिए, ये बॉक्स बड़े हैं, आयरन वहां पे रखा हुआ है, इधर देखेंगे तो बकेट्स है और थोड़ा बहुत क्लीनिंग का सामान है। सेम डस्टबिन यहाँ भी है, सेम ये बेसिन भी आपने सब जगह देखा सब में है। ये शायद हाथ से अगर कोई कपड़े उपड़े धोना चाहता हो तो उसके लिए वैसे कोई यूज करता नहीं है। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास चार मशीन का है और दो ड्रायर का ऑप्शन है। चार में से हमारी एक मशीन खराब हो गई थी तो हमने लैंड कर दिया, बट न्यू मशीन ऑर्डर है वो आ जाएंगी, और वैसे इतनी मशीन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आई थिंक एक ही मशीन मिसिंग है, तीन मशीन और दो ड्रायर काफी होते हैं। और ये जो रूम है इसको कहते हैं ड्राइंग रूम, ये आपने बाकी की दोनों लॉन्ड्री में नहीं देखा, वो यहीं पर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कपड़े टांगने की, जैसे कि हम घर में रस्सी वस्सी टांगते हैं तो यहाँ भी रस्सी है कपड़े टांगते, और ये रूम गर्म है। ऑब्वियसली वीडियो में आपको नहीं पता चलेगा, मगर अगर मैं आपको ये हीटर दिखाऊं तो शायद आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे अबाउट 30-35 डिग्री टेम्परेचर थोड़ा गर्म मेंटेन किया जाता है ताकि ये कपड़े वगैरह जल्दी सूख जाए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ऊपर बताया आप लोग को कि आप टाइमर सेट करो, वॉश करो, टाइम पे निकालो, वैसे ड्राइंग रूम के लिए भी टाइमर रखो यार। कई बार ये होता है कि लोग साइन ऑफ कर चुके, घर जा चुके और उनके कपड़े महीनों महीनों यहाँ पे ड्राई हो रहे हैं, और पोर्ट आने से पहले, इंस्पेक्शन के पहले, तो अच्छी बात है कि इस ड्रायर रूम को खाली ही कर दो, बिकॉज यू नो थोड़ा सा अनटाइडी, अनशैबी सा, ये शैबी अनटाइडी मतलब खराब सा दिखता है। अरे 50,000 मैंने एफडी कर दिया था बोर्ड वाले, बहुत ही सेल्फिश हो ना, मीन हो ना, भूसा भी फेंक दो ना, मेरा भी टेंशन खत्म हो जाए। हां वो यूज कर रहे हैं भूसा पे, तू नहीं बैठती क्या? 1 BHK बेचेंगे तो 3 BHK दे रहा हूं ना तेरे को पनवेल में। हां हाँ ठीक है ठीक है, मेरा कपड़ा धुल गया, मेरा अलार्म बज गया, हां मेरा अलार्म बज गया, मेरा कपड़ा धुल गया, मैं जा रहा हूं ड्रायर में डालने। देखा टाइम से आते ही ये भी हो चुका है ड्राई और मेरे भी कपड़े धुल चुके हैं। गलत है, अगर केबल वो साइड है तो आई थिंक ये भी उधर होना चाहिए। शिफ्ट ये हुई ना बात,
ऑनेस्टली मैं कभी सिविल कपड़े अपने प्रेस नहीं करता, ही आपको वीडियो दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ यूनिफॉर्म की शर्ट है वो प्रेस करता हूँ, वो भी आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट में एक बार या दो बार, जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दो शर्ट लेके आता तो उससे काम हो जाता है। और अब क्या मुझे प्रेस करते हुए भी देखोगे? जाओ ना भाई। तो अगर आप लोगों में से किसी ने बॉयलर सूट ऐसे धोया है तो जरूर कमेंट करके बताना। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कितने लकी हो कि आजकल मशीन से हैं, फैसिलिटीज है, MLC है। साथ में बने रहिए, लाइक का बटन ठोके, लाइक के बटन को ठोकते रहिए, मारते रहिए ऐसा ऐसा बूम बूम बूम। सब्सक्राइब वाला अगर उसके बाजू में ज्यादा अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब वाला भी दबा सकते हो, घंटी वंटी बजाने में मजा आता तो वो भी कर दो, नोटिफिकेशन वगैरह आता रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों स्टे फिट, जय हिंद, आपको मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, ये रख दूं जगह पे। Oh.